डियर सर अश्विन, स्टूडेंट आज हमने स्टार्ट करनी है 10.1 का लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन हमने किए थे 3 लेक्चर में, और लेक्चर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है इस एक्सरसाइज का। बहुत ही एक्सरसाइज आसान है, जिस तरह आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है, दूसरी देखी है, तीसरी देखी है, तो लिहाजा इस क्वेश्चन में बहुत ईजी से बहुत आसानी से आपको समझ आने वाली है। ये लॉन्ग में आता है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि मेरी अगर आपने कोई भी बेटा मेरी आपने वीडियो देखनी हो, किसी किस्म का वो मटेरियल चाहिए, 9 क्लास का, 10 क्लास का, किसी भी क्लास का, लिहाजा एक एक क्वेश्चन मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये नहीं होगा कि ये क्वेश्चन है या नहीं है, हर तरह का शॉर्ट है, ये भी साथ मैंने बताया, ये शॉर्ट में आता है, ये लॉन्ग में आता है। लिहाजा बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर सामने आपको मैंशन किया है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, तो ये बेटा लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लिहाजा फिर भी, लेकिन आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 9 और 10 का कॉम्बिनेशन है, इस लॉन्ग हमने फिर कंप्लीट करना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि छोड़ना नहीं, कहीं से भी आ सकता है। तो लिहाजा बहुत आसान है, अगर आपने पहले लेक्चर देखा है तो ये आपको बहुत आसान है, वो बेसिक था जो कि मैंने सिखा दिया हुआ है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहले 2 पार्ट में से मोस्टली ज़्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आने के। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेफ्ट हैंड साइड को बेटा प्रूफ करना है हमने राइट हैंड साइड के बराबर। सबसे पहले जो स्केयर है इसका तो हल करें, साइन यहाँ पे लिख लेते हैं पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर हम स्केयर को बेटा बाहर लिख लेते हैं, टेन के साथ है ही नहीं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3π/2 + θ। इसी तरह बेटा अगर नीचे देखा जाए तो कॉट स्केयर है तो इसको भी ऐसे करेंगे 3π/2 - θ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस थीटा लिखा, और फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर स्केयर लगा दिया, फिर कॉस और पाई माइनस थीटा लिख दिया, तो बाहर हमने क्या लगा दिया स्केयर, फिर हमने बेटा क्या लिखना है कोसेकेंट 2π - θ। अच्छा अब हमने करना क्या है, इसको चेंज करना है, तो को रेशो में चेंज करने के लिए मैंने पहले बेटा बताया था कि इस एंगल मतलब कि डंडा बनने पर चेंज करना था, यानी कि 90 का एंगल यानी पाई ओवर 2 आ जाए, 270 आ जाए यानी कि 3π/2, ये रेडियन को डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करके आगे लिखा हुआ है ताकि आपको ये भी समझ आए, तो किस में चेंज, फिर को रेशो में चेंज करना है, को रेशो ये है, साइन की कॉस है कॉस की साइन, सिकंड को सिकंड को सिकंड सिकंड, टैन की कॉट कॉट की टैन, तो लिहाजा ये बहुत आसान है, तो इसकी को रेशो में चेंज करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे, को रेशो सिर्फ यही चेंज करती है, ये 2 एंगल हो तो फिर करते, साइन का ऐसे ही आ जाएगा साइन, थीटा लिख देंगे साथ, और फिर हमने साइन सेलेक्ट करना है, स्केयर का स्केयर ऐसे आ जाए साइन, ये पाई प्लस थीटा कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड के अंदर साइन क्या है नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। इसके बाद टेन है, टेन को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगा 3π/2 जो आ गया, तो टेन की को रेशो क्या है कॉट, तो बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं हम कॉट, और फिर थीटा लगा दिया, क्वाड्रेंट चेक करते हैं कौन सा है, कार्ड का क्वाड्रेंट टेन जो है 3π+3 कुछ ना कुछ ऐड हो गया है, अब ये 3π 270 में से कुछ ना कुछ ऐड हो गया चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे के अंदर टेन नहीं ही है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसको नहीं देखना इसको ही देखना होता है वैसे। अच्छा नीचे मेरा बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसी तरह ही कार्ड है तो इसकी कोरेशो में चेंज करेंगे, ये देखें क्योंकि 3π/2 आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हो टेन की कोरेशो होती है टेन थीटा, क्वाड्रेंट देखें कौन सा है माइनस हो रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में तीसरे में कॉट क्या है पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, तो ना भी लिखे कोई इशू नहीं, ऊपर स्केयर लगा देना अपने, तो को रेशो में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला एंगल आया पाई माइनस थीटा, पहले तो लिख लें कॉस थीटा, को रेशो में चेंज नहीं करना तो ऐसे ही आ गया, अब कॉस में माइनस हो रहा है, पाई में से कुछ माइनस हो गया दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे में कॉस मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, ऊपर स्केयर लगा देंगे, कोसेकेंट है तो कोरेशो में चेंज नहीं करेंगे, लिहाजा कोसेकेंट थीटा ही आएगा क्योंकि 2π है तो कोरेशो में चेंज नहीं करेंगे, 2π में से माइनस हो रहा है चौथा क्वाड्रेंट, चौथे के अंदर कोसेकेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे। अच्छा समझ के करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझ के करें, नहीं समझ आती वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लें। अच्छा इसको माइनस को 2 टाइम करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ साइन के ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, तो आगे बेटा क्या आ गया हमारे पास, कॉट का क्या होता है माइनस कॉस ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं टेन, टेन का होता है साइन ओवर कॉस, तो स्केयर है तो स्केयर के साथ लिख लेते हैं साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा, तो लिहाजा इसका स्केयर जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिर्फ कॉस स्केयर थीटा ही लिखेंगे, तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है
इसका रेसिप्रोकल होता है साइन, यानी वन ओवर साइन थीटा, साथ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब कटिंग करते हैं, जो कटिंग होती है वो कटिंग करते हैं साइन एक पावर को काटते हैं जब एक कटता है, तो साथ हमारे पास आ रहा है जी ऊपर माइनस साइन थीटा, ठीक हो गया, और साथ है कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास ये कॉस कॉस कैंसिल, साइन एक कैंसिल हुआ है तो माइनस साइन थीटा आ गया, तो माइनस माइनस साथ कैंसिल हो गया, साइन साइन के साथ कैंसिल, तो जो आप हमारा बेटा आ चुका है कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूफ कर लिया है किसके बराबर, राइट हैंड साइड के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट। अच्छा तो बेटा ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आगे हमने किए हुए हैं। तो आपको पता है ये आगे मैं चीज बता चुका हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से ही हम प्रूफ करेंगे इसको राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ पे आ रहा है जी 90, देखें यहाँ पर मौजूद है तो कोरेशो में चेंज करेंगे, कॉस की कोरेशो क्या होती है साइन, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि साइन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा, 90 में से कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 90 से प्लस होगा दूसरे क्वाड्रेंट, दूसरे में कॉस क्या है इसको देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं इसको देखना होता है, एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आता है इस तरह का, तो लिहाजा यहाँ पर कॉस नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, माइनस साइन थीटा आ गया। सीकेंट जो है खा जाता है, मैंने पहले बताया ये सीकेंट एंगल के अंदर है जो खत्म हो जाता है पॉजिटिव आ जाता है, तो सीकेंट से सिर्फ कॉस खाता है तो उसका उल्ट सीकेंट होता है वो भी खत्म कर देता है, खाने का मकसद खत्म हजम कर जाता है। इसी तरह टैन है, तो टैन जो है कोरेशो में चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है, कोरेशो सिर्फ यही डंडा बनने पर कोरेशो को चेंज करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा, क्वाड्रेंट को माइनस लगेगा या प्लस ये चेक करने के, 180 में से माइनस हो रहा है कुछ दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे में टेन क्या होता है बेटा माइनस, दूसरे में टेन नहीं है तो माइनस होता है, तो माइनस लिख देंगे। इसी तरह आप नीचे आ जाते हैं, सीकेंट कोरेशो में चेंज नहीं करना क्योंकि 360 में कोरेशो चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा सीकेंट थीटा। साइन कौन सा लगेगा, कुछ इसमें से माइनस हो रहा है, जब माइनस होगा तो चौथे क्वार्ट में आ जाएगा, चौथे में अब सीकेंड है तो लिहाजा ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव लिख लेंगे या ना लगाएं कोई इश्यू नहीं है, ये भी कोरेशन में चेंज नहीं होगा, 180 जो है तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा, चुप करके सीधा सीधा लिख लें, पहले चेक ही यही करना है फिर क्वार्ट चेक करते हैं, 180 में से कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड में आ जाएगा, ऐड होगा तो थर्ड के अंदर साइन है नहीं है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास आ गया कॉस को रेशो चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 90 इस एंगल पर होता है, बार बार बता रहा हूँ, तो 90 को रेशो साइन की को रेशो क्या आती है साइन थीटा लिख दिया, माइनस हो रहा है पहले क्वार्टर, पहले के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव देगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, तो सीकेंड देखें सीकेंड के साथ कैंसिल हो गया, माइनस साइन किसके साथ कैंसिल हो गया इसके साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास जो है माइनस साइन माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया, माइनस के साथ समझे कि कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया माइनस टेन थीटा, नीचे बच गया साइन थीटा, जो टेन थीटा उसको भी हम किस तरह बेटा लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। अच्छा अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो मौजूद है किसके ऊपर, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन एक दफा देख लें, अच्छा तो बेटा क्वेश्चन में मैंने अभी देखा तो यहाँ पर बेटा कॉस नहीं है, यहाँ पर कॉट लिखा हुआ है, जरा ये करेक्शन कर लें, मिस्टेक हो गई है इस वजह से मैंने कहा चेक कर लें जरा, तो यहाँ पर कॉस नहीं है कॉट है, तो लिहाजा जब कॉट की कोरेशो को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन, ठीक है, क्वाड्रेंट तो आपको पता माइनस हो रहा है, नाइन पहले के अंदर पॉजिटिव रहेगा तो टेन टेन भी कैंसिल हो गया, सिर्फ वन माइनस बचा हुआ है तो साथ सारा, जैसे माइनस टू और टू कटे तो माइनस वन जवाब आ जाता है, इसी तरह ये भी काट के हमारे पास क्या जवाब आ गया माइनस वन। इस तरह हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।